भगवता कर्मा की, भगवता कर्मा की, राहु समाज की, रणवीर भामाशाह की, राजीव मैया की। माता कर्मा का यहाँ तैल चित्र स्थापित किया गया रिसाली नगर निगम द्वारा, और वास्तव में यह एक जोश और साहू समाज है, सौर समाज के लिए अनुकरणीय है। तो बोला बड़ा खुशी होते कि हमारे छोटे भाई अच्छा तरक्की विकास करा थे, और निश्चित रूप से होकर आशीर्वाद हमारे लोक सभा है, हमारे ये क्षेत्र हमेशा बिजली शहर हमारा सुंदर बने, स्वच्छ बने, इस दिशा में तेज गति से हमारी सरकार काम कर रही है। रैली के लिए और कौन कौन सी चीजें जो होनी चाहिए आने वाले समय में? देखिए, हमारे को अभी फिलहाल जो अभी हमारे महापौर जी ने आज जो किया था 100 वाहन हमारे नगर निगम के लिए, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के लिए। जैसे आपने देखा कि पीएससी में घोटाला हुआ, हमने सीबीआई की इंक्वायरी का वादा किया था, वो किया। छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ खड़ी है। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़, स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। माता कर्मा की जय, और तस्वीर में आप देख सकते हैं जिले का सबसे बड़ा माता कर्मा की प्रतिमा बनाई गई है नगर निगम रिसाली द्वारा। आज जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उद्घाटन किया। आप समाज वालों का उत्साह देख सकते हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कि कितना उत्साह है, क्या कहना चाहोगे एक बार माता कर्मा की जय के साथ? बोलो भक्त माता कर्मा की जय। आज साहू समाज के अध्यक्ष रात्रि देवी भक्त माता कर्मा का यहाँ तैल चित्र स्थापित किया गया रिसाली नगर निगम द्वारा, और वास्तव में यह एक जोश और साहू समाज है, सौर समाज के लिए अनुकरणीय है कि जो सेवा करता है उसका एक न एक दिन मूर्ति स्थापित होती है। साहू समाज इसके लिए नगर निगम और सारे को धन्यवाद देती है कि यहाँ पर कर्मा माता का तैल मूर्ति स्थापना किया है। धन्यवाद, मैं हर्षदेव साहू, स्वच्छता अभियान टीम। लंबे समय से इंतजार था कि मूर्ति की स्थापना कब होगी, और आज जो है उद्घाटन हो गया है, कितनी खुशी है, कैसे जाहिर करेंगे? निश्चित तौर से मैं यहाँ रिसाली के सभी जनताओं को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, और भक्त माता कर्मा की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा, जिनमें सरकार के द्वारा यह मूर्ति को बनाने के लिए, गढ़ने के लिए मूर्ति रूप दिया गया, जिनके लिए छत्तीसगढ़ साहू समाज कार्यकारी अध्यक्ष खिलावन साहू होने के नाते मैं रिसाली नगर निगम को बधाई देता हूं, सरकार को बधाई देता हूं, जिनकी आज के मुख्य अतिथि माननीय हमारे समाज के लाडला बेटा अरुण साहू जी, जो डिप्टी सीएम हैं, जिस लोकार्पण समय में उनकी उपस्थिति था, और मैं उन्हें भी बधाई देता हूं, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। कितने लंबे समय से इंतजार था इस प्रतिमा? निश्चित तौर से हमारे रिसाली के सम्माननीय इधर के पदाधिकारियों ने मांग किया था, और मांग करने पर इसका इंतजार था। एक्चुअल में जिले का एक अंग है रिसाली तहसील साहू समाज, भिलाई जिला साहू संघ का ये एक अंग है। चार पांच तहसील आते हैं, उसमें एक तहसील भिलाई रिसाली तहसील साहू समाज है, जिनके द्वारा ये मांग किया गया था, और आज भी ये मांग रिसाली तहसील साहू समाज ने किया, जिनकी घोषणा सम्माननीय अध्यक्ष जी ने, सम्माननीय मुख्य अतिथि ने 20 लाख रुपए की घोषणा किया, और हम निवेदन भी करेंगे उसकी राशि को तत्काल जारी करने के लिए। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार जोरदार जयकारा के साथ जो है भक्त माता कर्मा की जय बोले। प्रोग्राम को लेकर काफी उत्साह रहता है। माता कर्मा की जय, भक्त माता कर्मा की, बोलिए भक्त माता कर्मा की, साहू समाज की, राजीव माता की। बिल्कुल, रिसाली के लिए बहुत सारी बातें उप मुख्यमंत्री ने कही है कि क्या क्या आगे होने वाला है, तो क्या क्या बातचीत है? विकास की गाथा तो निश्चित तौर से है, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी आने के बाद विकास की गाथा की संरचना आपके सामने उसने बखान किया, चाहे वो किसान के मुद्दा के बारे में हो, चाहे नगरीय निकाय के मुद्दा के बारे में हो, चाहे वह विभिन्न योजनाओं के बारे में उसने बखान किया है, और वह वास्तविक तय है कि विकास की गाथा गढ़ा जा रहा है। बाकी आप तस्वीर में देख सकते हैं प्रतिमा को, और आपको बता दें 20 लाख रुपए से जो है भक्त माता कर्मा की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया, और आज जो है उद्घाटन किया गया उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के साथ। अनूप डी जी हमारे साथ में है, कितना उत्साह और क्या बोलना चाहेंगे कि जो लंबे समय से इंतजार था इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए, वो आज उद्घाटन भी हो गया? जी हाँ, पिछले 3-4 महीने से तो ये मूर्ति का माँ कर्मा का आशीर्वाद था, और हमको यहाँ पे एक चौक बनाना ही था, बाकी
साहू समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है इसमें, और मैं तो एक छोटा सा पार्षद हूँ उनके सहयोग से, और मैं उनको का बराबर उनको सहयोग में लगा रहा, और उन लोगों का भी बहुत सहयोग मेरे को मिला, और ये कर्मा चौक आज उद्घाटन हुआ उसके लिए मुझे बहुत ही हर्ष हुआ कि ये सौभाग्य हमारे वार्ड के लिए हुआ ये वार्ड हमारे। दूसरा चीज़ है कि हमारे वार्ड में कर्मा भवन भी है, तो मैं बराबर इनके सेवा में लगा रहता हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही और भी कुछ जो मुद्दे हैं और जो भी मांग हो, ये माता के आशीर्वाद से, कृष्ण जी के आशीर्वाद से पूरा होता रहे। बिल्कुल, रिसाली के लिए और कौन कौन सी चीज़ें जो होनी चाहिए आने वाले समय में? देखिए, हमारे को अभी फिलहाल जो अभी हमारे महापौर जी ने आज जो किया था, सौ वाहन हमारे नगर निगम के लिए, दो सौ वाहन की बहुत आवश्यकता है, 40 शौचालय की बहुत आवश्यकता है, प्लस अभी कुछ कुछ चीज़ें और सौंदर्यकरण बचा हुआ है जो हमें पूरा करना है। दूसरा, साहू समाज का जो भवन बना हुआ है, तहसील साहू समाज का, वहाँ आसपास की चीज़ का बहुत गंदगी है, तो उसको सफाई में थोड़ा सा हम निगम को ध्यान देना है, और उस रास्ते को पूरा क्लीन करना। लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को अतिक्रमण करके रखा है, उसको भी जगह को भी क्लीन करना है, वो हमारा उद्देश्य है। आप तो लगे हुए हैं पूरा? जी हाँ, उसके लिए मैं बिल्कुल लगा रहता हूँ, मैं सेवा में लगा रहता हूँ। बाकी भगवान करे, माँ का आशीर्वाद है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये हमारे पार्षद महोदय हैं, जो भी हम लोग बोलते हैं उसको पूरा काम करके देते हैं। मान लेते हैं बात? हाँ, मान लेते हैं सर। एक के बारे में मान लेते हैं। भक्त माता कर्मा के जो प्रतिमा है हमारे मन के पूजा पाठ के लिए, हमारे भाई अनूप डे तो पूरा काम ला पूरा करो इस निगम से मिल के, तो हमने बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन। और हमन तो तीजापुरम गए रहे भाई, लकड़ धकर आहन, हाँ आजे आहन हमन। और मैं ना तहसील साहू संगरी शाली के ना महिला अध्यक्ष रहा, बोले भक्त माता कर्मा की जय। तो मैं भी आज अचानक यहाँ आया, चेन्नई से लौटा था, वैसे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ मैं अखिल भारतीय तहसील साहू महासभा में। तो जब मैं यहाँ आया तो देखा कि ये बोर्ड लगे हुए हैं और एक माता कर्मा का चौक यहाँ उद्घाटित होने वाला है, हृदय से बहुत खुशी हुई और मैं यहीं ठहर गया। और मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी, उन्होंने 20 लाख रुपए भवन के विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृत किए, बहुत अच्छा लगा। उन्हें धन्यवाद नगर निगम के प्रयासों को, और यहाँ के पार्षद को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। उमेश साहू, जबलपुर। जामुन साहू, तहसील साहू के महिला उपाध्यक्ष हूँ। बेसरमी से मतलब इंतजार थे, मूर्ति बन गया था और लोकार्पण के हम लोग तैयारी में थे। आज बहुत ही अच्छा से हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री आए अरुण साहू जी, और बहुत ही सुंदर अपने हाथों से लोकार्पण किए। साहू समाज का है तो साहू समाज से ही होना चाहिए, बहुत ये अच्छा लगा। खुशी है बहुत सा उत्साह है, यही के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। बोले भक्त माता कर्मा की। कितना उत्साह है साहू समाज में, आप अध्यक्ष हैं, तो अब लोगों की जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? जब भी कोई हमारे पुरोधा या जो त्यागी तपस्वी होते हैं उनके नाम को आगे बढ़ाना सभी समाज अपना दायित्व समझते हैं, और कर्मा माता ने भक्ति त्याग तपस्या का एक प्रमाण साहू समाज को दिया, उसके आधार पर हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं। सब समाज चाहते हैं कि अपने आराध्य देवी का नाम रोशन हो, पूरा जग में नाम जाहिर होना चाहिए, इसी दृष्टिकोण से हमने यहाँ पर कर्मा चौक निर्माण की मांग की थी। यहाँ से जो भी गुजरेंगे कर्मा माता से प्रेरणा लेंगे, त्याग की देवी है, तपस्या की देवी है, और उन्होंने जब भी समय पर पड़ा समाज के लिए बहुत त्याग किया। इस दृष्टिकोण को हम सभी रखते हुए कर्मा चौक की मांग के था जो पूर्ण हुआ, और उसके अरुण साहू जी हमारे समाज के ही हैं, उनके माध्यम से आज उनका लोकार्पण हुआ। हम बहुत पूरे समाज नहीं हर समाज में खुशी की लहर है। मैं सभी को शुभकामना व्यक्त करता हूँ, यहाँ से जो भी गुजरे कर्मा माता से प्रेरणा ले और अपने जीवन में उसको उतारे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आप वीडियो में देखिएगा कि डिप्टी सीएम अरुण साहू क्या कुछ कह रहे हैं, रिसाली के लिए क्या कुछ प्लानिंग आ गया है, वो सारी डिटेल वो अपने भाषण में कह रहे थे, वो वीडियो आप आगे जरूर देखिएगा। नगर निगम रिसाली में निर्मित कर्मा माता चौक के लोकार्पण का कार्यक्रम, और 14,18,00,000 रुपये के 171 कामों का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। रिसाली की जनता को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद शहरों के विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, शहर हमारा सुंदर बने, स्वच्छ बने, इस दिशा में तेज गति से हमारी सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से इतने कम समय में इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति और उसका भूमि पूजन होना,
ये सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। मैं रिसाली की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री ढेरे जी ने आरोप लगाया कि 9 महीने में कोई काम नहीं हो रहा है और लगातार धरना प्रदर्शन और ये सब उनने आप पर आज आरोप मढ़ा है। आज के भूमि पूजन उनके प्रश्नों का जवाब है। जैसा कि 8 महीने में इतने करोड़ रुपए का भूमि पूजन आपके सामने हो गया और इसलिए जिन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया, एक एक रुपए के लिए तरसाया नगरीय निकायों को, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। ये वैष्णो देव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है जो विकास के प्रतिमान स्थापित कर रही है। मंत्री जी, सीमेंट का रेट बढ़ चुका है, उस पर क्या कहेंगे, थोड़ा बोल दीजिए। सरकार के संज्ञान में है और निश्चित रूप से सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। मंत्री जी, दुर्ग निगम में चारागाह की जमीन को कब्जा कर लिया गया है, नगर निगम उस पर मौन क्यों है? नगर निगम बिल्कुल भी मौन नहीं है। किसी भी शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा अतिक्रमण किसी भी कीमत पर पिछले 7 महीनों में 3 बार निगम आयुक्त को संज्ञान में लाया गया है। आप सबको मालूम है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है, गंभीरता से काम कर रही है। न्यायालयीन मामले भी हुए थे उस मामले में, उसका परीक्षण सरकार के स्तर पर हो रहा है और सरकार इस विषय पर छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के लिए, जैसे आपने देखा कि पीएससी में घोटाला हुआ, हमने सीबीआई की इंक्वायरी का वादा किया था, वो किया। छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ खड़ी है और उन हमारे अपने नौजवानों के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा निश्चित रूप से करेंगे। दूसरिया बार एक सांसद के रूप में ये मंच से खड़ा होकर बात करें कि हिम्मत गलत है, समय ज़्यादा है, और कार्यक्रम में जाना है। शिखर सेठी, आप सब ने फिर से एक बार बधाई शुभकामना और हमारे आदरणीय भाई अरुण साहु जी के हार्दिक अभिनंदन करत हैं और आपसे हमेशा ही सहयोग की अपेक्षा है। कि हम अल्लाह, क्योंकि हमन जब लोकसभा में रहें हमन एक साथ नाश्ता भी करें, अरुण भाई में एक साथ हमन कैंटीन खाना भी जान करें, तो बोला बड़ा खुशी होते कि हम छोटे भाई हर अतका तरक्की विकास करत है और निश्चित रूप से होकर आशीर्वाद हमारे लोकसभा ला हमारे ये क्षेत्र ला हमेशा मिली, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ होकर से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।